और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुपरस्टार पवन सिंह, अक्षरा सिंह और मधु शर्मा स्टारिंग भोजपुरी मूवी माँ तुझे सलाम का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया। जी हाँ, काफी लंबे समय से भोजपुरी दर्शक इस फिल्म का ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार माँ तुझे सलाम का ट्रेलर यसी फिल्म्स के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म की ट्रेलर की बात करें तो फिल्म का ट्रेलर 5 मिनट 14 सेकंड का है। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर 5 मिनट के 14 सेकंड में पवन सिंह के कई खतरनाक स्टंट ट्रेलर में दिखाया गया है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत पवन सिंह के धमाकेदार एक्शन से शुरू होती है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ फिल्म में पवन सिंह का नाम है मोहम्मद अली बजरंगी, यानी कि पवन सिंह एक बार फिर से अपने भोजपुरी दर्शकों के लिए कहर ढाने को बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि फिल्म के ट्रेलर में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का जोरदार केमिस्ट्री को फिर से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ फिल्म की अभिनेत्री मधु शर्मा का भी जोरदार रोमांस पवन सिंह के साथ दिखाया गया है। तो वहीं एक बार फिर से माँ तुझे सलाम में संगीत की बात करें तो वो बेहद काफी ज्यादा रोमांटिक फिल्माया गया है, यानी कि अविनाश झा घुंघरू ने भोजपुरी दर्शकों को लुभाने के लिए एक बिल्कुल शानदार म्यूजिक बनाया है। विलन के अवतार में एजाज खान बिल्कुल फुल ऑन बॉडी दिखाते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ एजाज खान और पवन सिंह का बिल्कुल खतरनाक फाइट सीन कई जगह दिखाया गया है, जो ट्रेलर में साफ साफ दिखाई पड़ता है। विलन के अवतार में बिरेंदर पाल सिंह, एहसान खान और कॉमेडियन प्रकाश जैस का अवतार दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो माँ तुझे सलाम में वो सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है। भोजपुरी गॉसिप्स के टीम की तरफ से 5 स्टार में से इसे 5 to 5 दिया जाता है, यानी कि माँ तुझे सलाम का ट्रेलर बिल्कुल सुपर डुपर हिट है। अगर आप लोगों ने अभी तक माँ तुझे सलाम का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप यसी फिल्म्स के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें और अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको माँ तुझे सलाम का ट्रेलर कैसा लगा।